जाफरान दनेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। दनेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के सलाउद्दीन स्कूल की तमाम शिकायतें सामने आने के बाद मनपा उपायुक्त नूतन खरे ने इस स्कूल का दौरा किया और कहा कि जल्द ही इस स्कूल पर कार्रवाई भी की जाएगी। सलाहुद्दीन स्कूल में इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम से पढ़ाई होती है, मगर स्कूल प्रशासन पर GR से छेड़छाड़ और पेरेंट्स से फीस ज्यादा लेने का आरोप लग रहा है। यहां तक कि टीचर भी अब सामने आ रहे हैं अपने पेमेंट्स को लेकर। लॉकडाउन के समय से ही फीस को लेकर पेरेंट्स परेशान हैं, मगर पेरेंट्स का और भी आरोप है कि इन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई पर भी पेरेंट्स सवाल उठा रहे हैं कि एक ही समय पर 3 से 4 बच्चों को एक ही मोबाइल में कैसे पढ़ाएं, क्योंकि सभी का टाइमिंग एक ही है। जिस वक्त भिवंडी मनपा उपायुक्त नूतन खरे ने सलाहुद्दीन स्कूल का दौरा किया, उस वक्त स्कूल का स्टाफ भाग खड़ा हुआ। हमारे सहयोगी फिरोज मेमन ने स्कूल पर लग रहे आरोपों पर मनपा उपायुक्त नूतन खरे से क्या बातचीत की है और टीचर और पेरेंट्स ने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक्चुअली ये स्कूल के बारे में बहुत सारे कंप्लेन आ चुके हैं पहले हमारे पास, और मैं अभी डेली देख रही हूँ। मुझे प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट है मेरे पास, उसके भी काम होता है, बाहर होती हूँ, लेकिन जितना टाइम मैं ऑफिस में होती हूँ इस वो टाइम पे तो मुझे 2-3 कंप्लेन डेली बेसिस पे आ रही है स्कूल की। और ये जनरल प्राइवेट स्कूल का ही प्रॉब्लम है भिवंडी में। तो हमारा ऐसा है कि ये टॉप प्रायोरिटी स्कूल है हमारे लिए, कि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा बच्चों से ली जाती है। स्कूल के टीचर्स का पेमेंट ऑन टाइम नहीं होता है, वो पढ़ाते फिर भी नहीं होता है। RTE के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज है, जैसे कि स्कूल मतलब बहुत सारा सीक्रेसी मेंटेन किया है ये स्कूल ने, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। और इनका दूसरा जो मीडियम है उर्दू मीडियम प्राइमरी, वो गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट फंडेड है, तो वहाँ पे तो वो RTI वगैरह ये सारे के अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ऐसे स्कूलों के लिए हमें भी 2-3 स्कूल के लिए हम एक्शन लेना चाहते हैं, कि ताकि बाकी स्कूलों को भी समझे कि पेरेंट्स, अभी लॉकडाउन था, पेरेंट्स के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और लॉकडाउन में इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी नहीं है ज़्यादा भिवंडी मतलब स्कूल चलाने में, तो इतना फीस क्यों अननेसेसरीली चार्ज करना है। जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका मिनिमल फीस तो लेना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए वो कंट्रोल करने के लिए ये विजिट था, लेकिन उनके प्रिंसिपल जो है आपके विजिट में यहाँ पे आपको क्या कुछ मिला? यहाँ पे उनके प्रिंसिपल जगह पे नहीं है, उनका ऑफिस सुपरिटेंडेंट जगह पे नहीं है, और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे कुछ कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैं मेरे लेवल पे और कमिश्नर सर को, हमारे बहुत सारे पावर्स है स्कूल रेगुलेट करने के लिए सिटी में, तो उनके थ्रू मैं शासन को रिपोर्ट भेजूंगी कि ये स्कूल का क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है। मतलब आई वॉज लाइक शॉक्ड कि क्यों नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, और पहले ही शायद इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं यहाँ आने वाली थी, तो वो नहीं आए आज। लेकिन ऐसा किया तो बहुत मतलब ये स्कूल चलाना ही ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा स्कूल पूरे सिटी के लिए, तो कुछ कोई चला नहीं सकता है अगर ऐसा एक्सेसिवली उन्होंने किया ना यहाँ पे काम, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैडम आपने यहाँ पे कुछ पेरेंट्स से भी बात की, तो व्हाट यू फाइंड दैट, कि क्या कुछ वाकई में स्कूल जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं क्या? यहाँ आपके पेरेंट्स तो मुझे ऑफिस में भी मिलने के लिए आए थे 2-3 बार, कि हमारे फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और पेमेंट भी बहुत सारे टीचर्स का नहीं है। वो एक टीचर है वो तो मेरे पास डेली आते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं कर रहे, वो 21 साल से वो यहाँ पे पढ़ा रहे, फिर भी 5,000 पेमेंट हुआ है, और लॉकडाउन में कुछ 0 पेमेंट हुआ है उनका। ठीक है, पेमेंट नहीं, लॉकडाउन में स्कूल नहीं था तो स्कूल की फीस कम थे, एटलीस्ट कुछ तो पेमेंट करना चाहिए बेसिक पेमेंट। तो RTE के अंडर गवर्नमेंट के जो GR से प्राइवेट स्कूल के लिए या गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट फंडेड स्कूल के लिए, तो वो तो यहाँ अप्लाई होने चाहिए, तो वो नहीं होते ये दिख रहा है सामने, तो वो इंक्वायरी करके कमिश्नर सर के थ्रू हम आगे रिपोर्ट भेजेंगे। मैडम हमें ऐसी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे जो GR है, GR में भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? कल तो मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी एक कॉल आया था कि ये स्कूल में नाम अपने आप ही चेंज किए जाते हैं और ये नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविटी है ऐसा, तो मैं बहुत शॉक हो गई कि पहले प्रायोरिटी सी स्कूल को जाना चाहिए। और दूसरी एक बात है कि अभी भी मुझे कंप्लेन मिले हैं कि अपने आप नाम चेंज कर देते हैं, बहुत सारा रजिस्टर में मतलब ये किया है, नाम बदल के दूसरे नाम डाले हैं,
तो ये बहुत मतलब डेंजरस थिंग है फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड फॉर चिल्ड्रन एज वेल. तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कमिश्नर सर के थ्रू हम कुछ एक्शन लेंगे और लेना ही है. तो सर हमारे साथ में यहाँ पे सलाउद्दीन स्कूल की एक सीनियर टीचर है जो कि पिछले 20-21 साल से यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, तो उनकी क्या परेशानी, उनकी क्या तकलीफ है, हम उनकी जुबानी सुनेंगे. हमारे साथ में नौशेबा मैडम है, तो मैडम आप बताइए हमें कि यहाँ पे आपको क्या तकलीफ है स्कूल से लॉकडाउन के दौरान से लेके अभी तक के, क्या आपकी स्टोरी थोड़ी सी बताइए. हाँ अस्सलाम वालेकुम. मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लेकिन जूनियर के जी के एडमिशन कम होने की वजह से नहीं थी, लेकिन 2 महीना पहले से चालू हुई है ये लोग की क्लासेस, मगर ये दूसरी टीचर्स को दे दी गई है. आप जूनियर के जी को पढ़ाती है? जी. तो मेरी क्लास ऑनलाइन शुरू हुई तो मैंने कहा मैडम को कि मैडम मुझे मेरी क्लास दे दो. तो वो क्या कह रही है कि नहीं 15 बच्चों के लिए आपको क्लास देंगे तो हमको सैलरी देना पड़ेगी, तो हम इसीलिए सीनियर वाली टीचर से आपकी क्लास ले लेंगे ताकि फीस वगैरह का उन लोग ही देख लेंगे, उतनी ही सैलरी में काम हो जाए. लेकिन मैंने कहा ये तो गलत है क्योंकि मैं जब पिछले 20 साल से जूनियर केजी की टीचर हूँ तो मेरा नाम रजिस्टर पे एस जूनियर टीचर है, तो मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए और मैं फोकट भी नहीं मांग रही, मुझे आप काम दे दो मैं काम करके अपनी सैलरी ले लूँगी. बट शी सेड दो कि नो, जल्दी सर ऑर्डर किए हैं कि आपको ऐसा नहीं दिया जाए क्लास. आप मतलब यहाँ पे जो कुछ होता है जल्दी सर के ऑर्डर पे होता है? जी जी. मैं उनके पास भी गई, उनको भी अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, लेकिन वो भी वही बात बोल रहे कि नहीं अभी तो फीस आई नहीं है तो क्या हम आपको फोकट में सैलरी दे दें. हमने कहा सर फोकट में नहीं मांग रहे सर, मैंने तो कहा लाइब्रेरी का काम दे दो, कुछ दूसरा काम दे दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए क्योंकि आई एम रियली इन नीड ऑफ मनी. आई डोंट हैव एनी अदर सपोर्ट सिंस माय हस्बैंड इज नॉट देयर, ओनली वन सन आई एम हैविंग एंड आई एम नॉट अफोर्डेबल दैट मच. सो आपको सिंस हाउ लॉन्ग यू आर नॉट गेटिंग पेड? फुल ईयर ओनली दिस ईयर आई डिडंट गेट माय सैलरी. सिंस द बिगिनिंग, जैसे जब से लॉकडाउन लगा आपको कोई पेमेंट नहीं मिली? लास्ट ईयर इन अप्रैल एंड मे वी गॉट हाफ सैलरी 5000, माय सैलरी इज 10000. सिंस देन आई डिडंट गेट एनी सैलरी. आपके यहाँ के बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते? 10, 7 और 8 में. अच्छा, 3 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ. तो क्या आपको यहाँ पे शिकायत है स्कूल से? फीस के तालुक से बहुत परेशान करते हैं, जैसे अगर मोहलत मांगे तो उसमें भी नहीं देंगे और टाइम नहीं, 15 दिन में आपको भरना ही भरना है जी. जिसकी वजह से मेरे एक बच्चे का पेपर अभी छूटा, वो ले नहीं रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं पेपर पहले पैसा भरो आप, फीस भरो पूरी. और 1 महीने की 10th की बाकी थी, उसके लिए मुझे परमिशन लेना पड़ा कि पहले आप 15 दिन का परमिशन लो कि एक उतने दिन में आप भरोगे तो ये पेपर लेंगे. राइटिंग में लिख के लिया आपसे कि इतने दिन में नहीं, वर्ड बोल के कि आप भरोगे तब हम पेपर लेंगे या बच्चे को ऑनलाइन क्लास में एक्सेप्ट करेंगे. अच्छा, मेरा ये पूछना है कि जो फीस ये लोग स्कूल लॉकडाउन के पहले ले रहे थे वही फीस उतनी ही फीस ये लोग लॉकडाउन में भी मांग रहे थे? जी हाँ, पूरी फीस वही ले रहे थे. और इस मंथ से इन्होंने 700 किया, वो भी टर्म फीस जो है 1400 वो पूरी ले रहे, जो कि हमारे कंप्यूटर क्लास बंद है, ट्यूशन क्लास है और पीटी क्लास सब बंद है, उसकी उसका वो 1400 पूरा ले रहे हैं. मतलब पूरी फीस जो है पूरी ले रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. इस मंथ से 1200 कम किया है, तो जिसमें हम 1200 क्या करेंगे जब उनको पूरा भरना ही है. मतलब पूरे साल भरे 1200? हाँ, पूरा साल भर का, और वो भी इस मंथ भरेंगे तो ही. अच्छा, मतलब डिस्काउंट ऑफर दिया उन्होंने कि इस महीने भरोगे तो? एक मोबाइल में 4-4 बच्चे को मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मेरे से पूछो मम्मा कैसे एक बच्चा एक दिन पढ़ता है, किसी की नहीं हो पाती. 3 बच्चे? जी, मेरे 3 बच्चे, एक बच्चा पढ़ता है, 2 नहीं पढ़ पाते हैं. मैं अगर बताऊँ तो हम लोग के पास बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी कि उर्दू मीडियम में, जो कि 100% ग्रांटेड है, जहाँ पर फीस तक भी नहीं लेनी चाहिए, ये लोग डोनेशन भी ले रहे, फीस भी ले रहे, फिर बाद में जबरदस्ती लोगों को यूनिफॉर्म भी खरीदवा रहे, जबकि वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगना चाहिए एजुकेशन के लिए. ठीक है, फिर बाद में जब हम लोग और गया, मतलब आपके बोले एजुकेशन मॉल खोल के रखा था इन्होंने? हाँ, एजुकेशन मॉल खोल के रखा था, घूसखोरी कर रहे थे 100% उस पे. हम लोग वर्षा गायकवाड मैडम जो है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, उनके पास भी गए थे, उन्होंने हमको मतलब यहाँ पे इंक्वायरी के लिए शेरा भी मार के दिया. फिर वो जिला परिषद में सुषमा सागर लोने मैडम है, वो भी बिचारी, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को. फिर वहाँ से उनसे जो बंद पड़ा वो इंक्वायरी किए, फिर उनके बाद ये म्यूनसिपल कमिश्नर के पास ये इंक्वायरी आई. अच्छा, उसके अंतर्गत में मतलब जो भी आज हुआ है, इंस्पेक्शन हुआ है, उसके अंतर्गत के हिसाब से ही हुआ, मतलब उसके थ्रू ही हुआ है. और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो खाड़खोड़ का है, जो जनरल रजिस्टर एक बहुत ही मतलब प्रेशियस डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये लोग एक स्ट्राइक ऑफ भी नहीं कर सकते. अगर ये स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं तो मतलब इनको गवर्नमेंट का गजट लगाना है, मतलब कोर्ट से ये लोग का आदेश लेके लगाना है. हाँ, और ये लोग मतलब बैक डेट में जाके मतलब पूरा पूरा नाम बदल रहे हैं, पूरा पूरा डेट ऑफ बर्थ बदल रहे हैं, एड्रेस बदल रहे हैं. तो हम लोग मतलब इसको लेके बहुत सारे लोगों के पास गए, पंकज आशिया साहब के पास गए, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट किया. इस तरह से खाड़खोड़ चल रही है एक्चुअल में 2012 में सुफियान साहब जो है इन्होंने मतलब आरटीआई मारा था, इनको भी ये लोग नहीं दे रहे थे. फिर इन्होंने कोंकण भवन से जाके ऑर्डर निकाल के इंस्पेक्शन करवा के मतलब पूरा ये निकाला था. हम लोग ने भी आरटीआई डाली थी, लेकिन ये लोग हमको 2-2.5 महीने
देने से लोग हम लोग को टालमटोल कर रहे हैं। ये लोग मतलब वो डॉक्यूमेंट चेंज करके किसी को भी आकर सिटीजनशिप दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, और ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्टिविटी है।